खुशी की तरंग हैं आप, नई सी उमंग हैं आप, नया सा जोश हैं आप, ज्ञान का कोश हैं आप, सूरज सी चमक है आप में, चांद सी शीतलता भी, पानी की तरह बहना आदत है आपकी, हमेशा मुस्कुराना फितरत है आपकी, हम खच्चरों को प्यार देना एहसान है आपका, हर मुश्किल को आसान बना देना काम है आपका, आपकी दुआ है रब से हम बेहतर इंसान बने, मेरी दुआ है उससे आपकी हर दुआ कबूल हो उसको। आपकी प्यारी खच्चर। वैसे आपको एक सच बात बताऊं, आप लोग खच्चर नहीं है, सबसे बड़ा खच्चर मैं हूं जो खच्चरों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं, इससे बड़ा खच्चर कौन होगा। बेसिकली देखा जाए तो हम लोग, कोई ना कोई ड्रीम सभी का होता है, लेकिन फोकस हमारा ना के बराबर होता है। आज हम यहाँ हैं, दो दिन अगर हम बाहर रहें तो हमारा फोकस गायब हो जाता है कि हमारा गोल क्या था, हमारा टारगेट क्या था, और ना ही हमारे पास कोई ड्रीम बुक होती है जिसमें लिखा हो कि मुझे ये करना है और इतने टाइम के अंदर करना। हाँ जी, ये मुझे इतने टाइम में अचीव करना। पॉइंट कितने हैं यहाँ पर जिन्होंने एक्चुअल में, सच बोलना झूठ मत बोलना, जिन्होंने एक्चुअल में किसी डायरी में अपने कहीं पर लिखा हुआ है कि मुझे ये करना ही करना है और इतने टाइम के अंदर करना ही करना है? कितने कम लोग हैं? हार्डली 20% या ये। तो मेरा ही क्वेश्चन है आप, हम सभी से, कि किस तरीके से उसको अपना अचीव कर सकते हैं अपने ड्रीम्स। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। थैंक यू सर। इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हमारे पास में गोल्स नहीं होते हैं क्लियर कट। क्या गोल्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में या नहीं है? क्या हम गोल सेट करते हैं या सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं? कंप्लेन करना क्या है? एक्सक्यूज क्या है? व्हाट इज एन एक्सक्यूज? कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली का प्रेशर है, मैं लड़की हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकता, कोई होगा वो कहेगा मैं लड़का हूं इस वजह से मैं नहीं कर सकता, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। दोनों तरफ से हमारे एक्सक्यूजेस आ रहे हैं। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, नहीं नहीं मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन ये जो लेकिन है ना, लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस है। और सॉल्यूशन क्या है कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन चाहे जितनी भी प्रॉब्लम, उससे फर्क क्या पड़ता है, कर दूंगा ना, करना है तो। जैसे अगर अंदर से डीपली हमें एक चीज को करने की इंपॉर्टेंस समझ आ जाती है तो फिर हम उस काम को कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिजली का बिल है, इसको जमा कराना है, लास्ट डेट आ गई है, अगर नहीं कराया तो कल बिजली कट जाएगी, तो आपको इंपॉर्टेंस क्लियर है ना उसकी, तो वो काम होता है नहीं होता है? अगर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो, लाख प्रॉब्लम्स होती हैं तो, तब भी हो जाता है नहीं हो पाता है? या आप एक्सक्यूज देते हो उस टाइम पे, अरे नहीं मैं तो बिजी हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है, नहीं करूंगा, हो जाता है ना, क्योंकि पता है कि अगर ये नहीं किया तो बिजली कट जाएगी, अंधेरे में जीना पड़ेगा। ऐसे इफ यू आर एब्सोल्यूटली क्लियर कि ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, ये गोल्डन पीरियड है, ये जो आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल है, ये आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड है, क्योंकि अभी एनर्जी भरी पड़ी है अंदर से। तो अगर ये आपको एब्सोल्यूटली क्लियर हो जाए कि कुछ ढंग का नहीं किया अपनी लाइफ में, तो मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा हो जाए। जैसे किसी बंदे को प्यास ही ना हो, ये बिल्कुल ऐसा है प्यास के जैसा, प्यास ही ना हो और वो आकर के यहां पे क्वेश्चन पूछे, पानी के लिए ये करना पड़ेगा, पता नहीं कितना रिस्क उठाना पड़ेगा, मेरे घर में पानी नहीं है लेकिन मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर बड़ा रिस्क है, पानी के लिए मारकाट मची हुई है। अब आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ऐसे ही जीना है जिंदगी भर? जीने वाले हो, ये कड़वा सच है, आप में से यहां पे जो भी लोग बैठे हैं 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही जीने वाले हैं, जिएंगे पानी पानी करते हुए, मरेंगे पानी पानी करते हुए, पानी से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएंगे, पानी से ऊपर नहीं उठोगे तो कैसे जान पाओगे कि पानी से ऊपर भी एक दुनिया एग्जिस्ट करती है? यानी कि पैसे से ऊपर नहीं उठोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि पैसे से ऊपर क्या है? उसके लिए पहले पैसे से ऊपर उठना पड़ेगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सक्सेस। आप में से कितने लोग हैं जो लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं? तो डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द स्टार्टिंग पॉइंट? वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो है डिससेटिस्फैक्शन विद योर ओन लाइफ। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, डिससेटिस्फैक्शन विद योर करेंट सिचुएशन। कि नहीं बहुत हुआ, अब तो बदलना है इस सिचुएशन को, ऐसे नहीं चलने वाला। हाँ चल सकता है लेकिन ऐसे नहीं चलाना है मुझे। दैट इज द डिससेटिस्फैक्शन विच इज देयर। क्या जितनी भी डिस्कवरीज होती है इस दुनिया में, चाहे साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे कोई भी सक्सेस स्टोरी हो, उसकी शुरुआत डिससेटिस्फैक्शन से नहीं होती है? इफ समबडी इज सेटिस्फाइड विद
हिज और हर लाइफ, यहाँ डीगे जैसे गाड़ी चल रही है चल रही है। और मजे की बात क्या है, वो सेटिस्फैक्शन रियल नहीं होता है, वो सिर्फ हम ढूंढ कर रहे होते हैं सेटिस्फैक्शन, क्योंकि जो प्यासा है वो सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है, जिसके अंदर डिजायर्स भरे पड़े हैं कुछ करने के, कुछ पाने के, एक तरह से एक लाइफ को जीने के, लेकिन वैसी लाइफ नहीं मिल रही है। फिर वो पर्सन बात कर रहा है कंटेनमेंट की, सेटिस्फैक्शन की, सब ढोंगे, सब दिखावा है। यानी पैसे से ऊपर उठने के लिए, पानी से ऊपर उठने के लिए पहले आपको पानी कमाना पड़ेगा। तो डोंट बी टू सेटिस्फाइड विद वट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन, बी डिससेटिस्फाइड विद इट। और वो डिससेटिस्फैक्शन जितनी बड़ी होती है ना, उतने ही तेजी से अंदर से आ रहा होता है कि अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना ही है, अब तो कुछ करना ही है। इसी में कैसे स्टक रह सकते हैं कि मतलब हाँ ये गोल है मेरा, तो यही करना है मुझे। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज क्या है कि गोल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आप मेरा भी बैकग्राउंड देखोगे तो शुरुआत हुई थी कहाँ से, याद है किसी को? मॉडलिंग से। मॉडलिंग में धक्के खाए, समझ आया कुछ होना होना है नहीं तो चल कैमरे के पीछे आ जाता हूँ। अगर मैं स्टिक रहता कि नहीं मेरे को तो कैमरे के आगे ही रहना है, तो क्या होता? तो आज कैमरे के आगे नहीं आ पाता। सो आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ स्टिकिंग टू वन गोल ओनली नो मैटर वॉट। ऐसे बहुत लोग देखे मैंने, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे जब मैंने शुरू करी थी मॉडलिंग एक्टिंग ये वो, जो आज भी वहीं पे धक्के खा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। देयर टू कन्फाइंड, देयर थिंकिंग इज टू कन्फाइंड, नॉट लुकिंग एट द रियलिटी कि भाई मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो छोड़ो ना उसको। अपने आप से सच नहीं बोल सकते क्या हम? क्योंकि करके ही समझ आता है ना बहुत सारी चीजें। तो एक है दूर से सोचना किसी चीज के बारे में, आप अपने गोल सेट कर रहे हो अपने माइंड में, तो कुछ भी सेट कर लोगे कि मुझे फुटबॉल खेलनी है, खेलने के लिए खेल के देखा अरे ये तो मेरे बस का ही नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है, तो छोड़ दो उसको, जबरदस्ती क्यों लगे रहना है। बहुत बार हम क्या होता है, हम एक डिसीजन ले लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है कि ये डिसीजन हमने गलत ले लिया है, फिर भी डर लगता है कि अब अगर वापस गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो हम उसको चलने देते हैं। सो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, नॉट अ गोल बट अ पर्पस। दैट पर्पस कुड बी कि मुझे ये, मैं अपना पर्पस आपको बता रहा हूं, वैसे आई एम नॉट टू श्योर मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बट अपना ही बता सकता हूं बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकता हूं ना। तो माय पर्पस वाज इन योर एज, दिस वाज 20 से 22 साल की एज में, जो मेरा क्लियर पर्पस था जिसको मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में, वो था कि मुझे 30 साल की एज में रिटायर हो जाना है। रिटायर फ्रॉम मनी, वर्किंग फॉर मनी, नॉट फ्रॉम वर्क, नॉट फ्रॉम लाइफ। दोनों में फर्क आया पकड़ में? एक है रिटायर हो गए पागलों की तरह पड़े हुए ना 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 ना, और एक्टिव हो जाना है रिटायरमेंट के बाद, और ज्यादा फुल ऑफ लाइफ, और ज्यादा काम करने हैं, पैसे के लिए काम नहीं करना है। दिस वॉज माई पर्पस, दिस गेम मी द एनर्जी, दिस गेम मी द किक। अरे मजा आएगा यार, जब लोग अपना करियर शुरू करेंगे मेरा खत्म हो चुका होगा। यानी पर्पस क्या हुआ, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो, जो अभी पानी वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि अब पानी के लिए धक्के नहीं खाने, घर में ही कुआं खोद देना है। नहीं तो पूरी दुनिया क्या कर रही है, कुएं के ओनर्स के पास जाती है ना, वो कुएं का ओनर कहता है कि ठीक है तेरे को एक बाल्टी चाहिए, तेरे को उसके लिए ये करना पड़ेगा, दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तब एक बाल्टी मिलेगी। लेकिन आप कहते हो नहीं, एक बाल्टी में मेरा और मेरी फैमिली का काम नहीं होना, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तेरी प्रॉब्लम है। तो ये मुझे कब तक करना पड़ेगा, कब तक आकर के कुएं में से बाल्टियां उठानी पड़ेंगी जिंदगी भर के लिए? ये इस दुनिया की हालत है। तो अंदर से आया मैंने कहा ठीक है, अब जितना भी एफर्ट लगेगा लगेगा, घर में कुआं खोद दो, देखा जाएगा। कैसे कूदेगा पता नहीं, उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए पता नहीं, पता नहीं यहाँ पे मैं खोदना शुरू करूंगा, यहाँ पे पानी है भी या नहीं है। कहीं पे होता है ना, कहीं पानी जल्दी आ जाता है, कहीं लेट आता है, पता नहीं कितना लेट आएगा, पता नहीं। खोदना शुरू किया, अंदर से कुछ कीड़े मकोड़े निकल गए तो, कोबरा वोबरा कुछ भी निकलता है ना जब ऐसे काम कर रहे होते हैं उल्टे पुलटे, तो क्या होगा पता नहीं, बट करना है तो करना है ना। जब इस तरह से हमारा माइंड चल रहा होता है ना, तो गोल्स अचीव हो जाते हैं, एफर्टलेस भी हो जाते हैं। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने बहुत एफर्ट लगा के कोई गोल अचीव किया है, मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने मेहनत करी है या कुछ भी मुश्किल था, क्योंकि मेहनत कहां करनी पड़ती है जब पर्पस क्लियर नहीं होता। जब पर्पस क्लियर होता है ना, तो रास्ते निकल जाते हैं, रास्ते अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं जिस रास्ते को मैंने पकड़ा वही रास्ता आपका होगा, बस मंजिल सेम है, जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है, आप यहां से चल रहे हो, कोई वहां से, कोई वहां से, मंजिल वही है। आपका नेक्स्ट पर्पस क्या है? मेरा नेक्स्ट पर्पस क्या है? अभी पर्पस ये है कि जो भी मेरे पास में है, यानी क्या है जो सबसे ज्यादा प्रेशियस है, वो पैसा नहीं है फॉर श्योर। नहीं तो लोग क्या होता है, वो कमा भी लेते हैं पैसा, फिर भी मरते दम तक पैसे के लिए ही जीते हैं, बेवकूफ है वो, इन्हीं को खच्चर बोलते हैं।
खच्चर उसको नहीं बोलते जिसके पास में कम है, खच्चर उसको बोलते हैं जो जिया पैसे के लिए और मरा पैसे के लिए, यानी अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं, कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं जो अंदर से किया हो, तो बाहर चीजों को इकट्ठा करने के लिए जिया, उसी के लिए मरा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये जो मेरी विजन है, जो क्लैरिटी है, जो मेरे अंदर की खुशी है, जो सेटिस्फैक्शन है लाइफ से, जो सेटिस्फैक्शन आर्टिफिशियल नहीं है, एक्चुअल है, जो फियरलेसनेस है, जो भी कुछ है उस सबको शेयर करना है, बिकॉज इट इज ऑल इन्फेक्शियस। एक तरह का एक वायरस है जो मैं फैला रहा हूं पूरी दुनिया के अंदर। वो वायरस क्या है? जीने का जज्बा, क्योंकि ये ही परमानेंट सोल्यूशन है अगर इस दुनिया को हमको थोड़ा सा भी ढंग का बनाना है तो। नहीं तो अगर सबकी मेंटालिटी वही है, एक ही डायरेक्शन में भाग रही है, पैसा 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 पैसा, तो ये दुनिया कभी ढंग की हो ही नहीं सकती, रहने लायक हो ही नहीं सकती। इस दुनिया में अगर कुछ लोग और ऐसे नजर आने लग जाए, दोज आर नॉट ड्रिवन फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव, तो उनको देख करके सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा पर्पस आज की डेट में क्या है, इस दुनिया को बदल देना, कुछ ऐसा करना जो आज से पहले ना कभी हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा, ये है मेरा पर्पस। Thank you so much.